अच्युत खान का नाम भी था, दोनों ही राज्यसभा के सांसद हैं। गौरतलब है कि अमेरिका के दौरे पर गए राजनाथ सिंह ने न्यूयॉर्क में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नरेंद्र मोदी को वीजा न दिए जाने के मुद्दे को अमेरिका सांसदों के सामने रखेंगे। बिहार बीजेपी में विद्रोह के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के सुर भी बागी हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हो रही है। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि दिल्ली अभी दूर है। बिहारी बाबू ने लालकृष्ण आडवाणी को देश के लिए बेहतर बताया है। बिहार बीजेपी में विद्रोह की आग भड़कती जा रही है। पहले विधायकों ने सुशील कुमार मोदी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया, अब सांसद और बिहार में पार्टी के चेहरा माने जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा के सुर भी बागी हो गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि पार्टी में बड़े नेताओं की अनदेखी हो रही है। बिहारी बाबू ने आडवाणी को देश का बेहतर और दूरदर्शी नेता बताया। शत्रुघ्न सिन्हा यही नहीं थमे, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी उनके मित्र हैं, सहयोगी हैं, लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री पद का सवाल है, इसके लिए लालकृष्ण आडवाणी देश के सबसे अच्छे नेताओं में से एक हैं। 2G स्पेक्ट्रम मामले में रिलायंस टेलीकॉम के अध्यक्ष अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को अब 26 जुलाई को निचली अदालत में पेश होना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने उनकी अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में बुलाने के फैसले के खिलाफ रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी है। अनिल अंबानी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन हैं। 2011 में अंबानी के टेलीकॉम फर्म रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव अरेस्ट किए गए थे। इन पर आरोप थे कि इन्होंने स्वान टेलीकॉम को बिना परमिशन कोटा के लाइसेंस और फ्रीक्वेंसी दिए थे। CBI 2G स्कैम में इस बात की जांच कर रही है कि मोबाइल नेटवर्क लाइसेंस और सेकंड जनरेशन एवरेंस वैसी कंपनियों को दिए गए जो योग्य नहीं थी। तब टेलीकॉम मंत्री ए राजा थे। पिछले हफ्ते CBI ने कोर्ट में कहा था कि अनिल अंबानी इस पूरे मामले में बतौर अभियोजन पक्ष के गवाह बनकर जांच में मदद कर सकते हैं। CBI ने कहा था कि अनिल अंबानी ने ही स्वान टेलीकॉम के साथ हुई हर मीटिंग की अध्यक्षता की थी। फिल्म अभिनेता संजय दत्त की सजा को कम करने के लिए दायर क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब संजय दत्त को पूरी सजा काटनी होगी। क्यूरेटिव पिटीशन के तहत किसी शख्स को कोर्ट के सामने अपील का एक अंतिम मौका मिलता है। क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद अब संजय दत्त के सामने एक ही रास्ता बचा है कि वो राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के बम धमाकों से जुड़े मामले में संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई है, जिसमें से वो 1.5 साल की सजा काट चुके हैं। 53 साल के बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को अवैध रूप से हथियार रखने का दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला आने के बाद संजय दत्त ने टाडा की विशेष अदालत से अपील की थी कि उन्हें पुणे की यरवड़ा जेल में समर्पण करने की अनुमति दी जाए। 17 मई को संजय दत्त ने मुंबई की टाडा कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उन्हें 22 मई की सुबह आर्थर रोड जेल से निकालकर यरवड़ा जेल में शिफ्ट किया गया था। गुड़गांव के एक गीताजी मर्डर केस की जांच अब CBI करेगी। हरियाणा सरकार ने इस मामले की जांच अब CBI को सौंपने के लिए सिफारिश की है। उधर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इस बाबत मंगलवार को गीतांजलि के पति CGM रवनीत गर्ग से एक बार फिर पूछताछ हुई। पुलिस ने CGM के भाई बहन से भी पूछताछ की। इससे पहले सोमवार को CGM रवनीत गर्ग ने पूछताछ में घर के नौकर और ड्राइवर पर पत्नी की हत्या का शक जताया था। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी थी कि गीतांजलि चपरासी और ड्राइवर से नाराज रहती थी। गौरतलब है कि गीतांजलि गर्ग का शव 17 जुलाई की शाम सिविल लाइन थाना पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड के पास से बरामद किया था। गीतांजलि के परिवार ने 19 जुलाई को रवनीत गर्ग के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जज को बेटे की चाहत थी, लेकिन 2 बेटी होने की वजह से उनका गीतांजलि से रिश्ता तल्ख हो गया था, लेकिन रवनीत का परिवार सीधे इसे नकार रहा है। गीतांजलि और रवनीत की शादी 2007 में हुई थी। गीतांजलि के परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाया है कि गीतांजलि को दहेज के लिए उसे मारा पीटा भी जाता था। भगवान भोले की आराधना का पावन महीना सावन मंगलवार से शुरू हो गया। पूरे देश के मंदिरों में जहां भगवान शिव के लिए विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई है, वहीं हर जगह हर मंदिरों में हर शहरों में मंदिरों के घंटों के जय जयकार से पूरा वातावरण शिवमय हो गया है। सावन के मौके पर राजधानी के शिव मंदिरों की रौनक देखते ही बन गई है। शहर के सभी मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। लखनऊ के अति प्राचीन मन कामेश्वर मंदिर में भी सावन के मौके पर विशेष तैयारियां की गई हैं। यहां भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना आज सुबह से ही की जा रही है। भोले भंडारी के जयकारों के साथ
भारी तादाद में लोगों के आने का सिलसिला सुबह से ही अनवरत जारी है। मान्यता है कि मनकामेश्वर मंदिर के दौरान सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहां भगवान भोले शंकर के शिवलिंग को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। पूरे मंदिर परिसर में भी भव्य सजावट की गई है। मंदिर की अधिक मान्यता होने के चलते यहाँ सावन में दूर दराज से भी लोग भगवान भोले का दर्शन करने आते हैं। एक महीने तक चलने वाले सावन के इस पवित्र महीने के लिए लखनऊ के मंदिरों में तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं। वहीं केदारनाथ त्रासदी से सबक लेते हुए प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम किए हैं। उत्तराखंड में भी समाचार प्लस की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। जहां समाचार प्लस ने मिड डे मील की खराब हालत को लेकर खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद खुद शिक्षा मंत्री ने उसका संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई करने की बात कही है। समाचार प्लस की खबर का उत्तराखंड में भी बड़ा असर हुआ है। समाचार प्लस ने अपने बिग बुलेटिन में मिड डे मील के बुरे हालात को लेकर खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद सूबे के शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद मिथानी ने योजना को लेकर गंभीरता दिखाते हुए आदेश जारी किए हैं कि मध्यान्ह भोजन बच्चों को देने से पहले स्कूल के प्रधानाचार्य को उसकी जांच करनी होगी। ऐसा करने से खाने की गुणवत्ता में तो सुधार होगा ही, साथ ही बच्चों के मिलने वाले भोजन की जानकारी भी उनके पास होगी कि आखिरकार जो भोजन उन्हें परोसा जा रहा है उसकी गुणवत्ता कैसी है। कुल मिलाकर मिड डे मील योजना को सही तरीके से लागू करने को लेकर अब खुद शिक्षा मंत्री ने कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में उन्होंने अब निर्देश जारी कर दिए कि बच्चों को खाना परोसे जाने से पहले प्रधानाचार्य को आधे घंटे पहले उस भोजन का सेवन करना होगा। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मंथन में एक बार फिर गुटबाजी सामने आ गई। सामने ही नहीं आई, बाकायदे सड़क पर उतर गई। एक महिला विधायक को मंत्री बनाने के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया, धरने पर बैठ गए। सड़क पर यह हाल था, अंदर भी माहौल बुरा नहीं था। बहरहाल नेताजी ने समझाया है कि लोकसभा सीट जीतो और गुटबाजी बंद करो। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन कर रही है। अब तक जो बात कमरे में थी अब सड़क पर आ गई। बंद कमरों में पार्टी नेतृत्व के लिए गुस्सा अब पार्टी मुख्यालय के गेट पर दिखाई देने लगा। विधायक शादाब फातिमा को मंत्री बनाने के लिए उनके समर्थकों ने नारेबाजी की, धरना दिया, प्रदर्शन किया, नहीं बात बनी तो गेट पर ही बैठ गए। आला कमान सुन ले इसके लिए वही गेट पर अल्लाह से भी गुहार लगाई। पार्टी नेतृत्व ने शादाब फातिमा को कुछ समझाया और विधायक कैमरे से बचते हुए वहां से निकल गयी। इस सब के बीच पार्टी के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी इस प्रदर्शन को ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं, इसे पार्टी के लोकतंत्र से जोड़ देते हैं। पार्टी के गेट पर आलम था तो मंत्रियों की बैठक में भी गुटबाजी छाई रही। पूर्वांचल से बुलाए गए कुछ प्रत्याशियों ने एक बार फिर गुटबाजी की शिकायत की। पार्टी मुखिया ने एक बार फिर एकता में बल है का रट्टा लगवाया। बाहर आकर सभी कैबिनेट मंत्री एक सुर में बोले, नाराजगी नहीं बस पार्टी बनी है, जहां बर्तन होंगे वहां आवाज आएगी ही। साथ ही इस लड़ाई का भी सियासी फायदा लेने की कला देखिए। कहते हैं ये गुटबाजी नहीं लोकतंत्र है। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने सबको समझा दिया, अब सब कुछ ठीक है। सपा सुप्रीमो को समझ में आ गया है कि लखनऊ से दिल्ली के रास्ते में स्पीड ब्रेकर किसी और ने नहीं उनके अपनों ने ही बनाए हैं। शायद यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव सियासी दखल में उतरने से पहले अपने घर को पूरी तरह से ठीक कर लेना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक का सिलसिला लगातार जारी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ पार्टी दफ्तर में लखनऊ प्रांत मंडल के बीएसपी नेताओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान बीएसपी सुप्रीमो ने नेताओं से साफ कह दिया कि लोकसभा चुनाव के दौरान कोई कमी न रह जाए, लिहाजा नेता डट रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती हरदोई पार्टी के नेताओं के साथ लोकसभा क्षेत्रवार एक एक प्रत्याशियों की चुनाव को लेकर तैयारियों और क्षेत्रों में उनकी मजबूती को लेकर फीडबैक ले रही हैं। लखनऊ पार्टी कार्यालय पर होने वाली समीक्षा बैठक में पार्टी की क्षेत्रवार समीक्षा की जा रही है। पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी की समीक्षा बैठक के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ, कानपुर, अम्बेडकर नगर, उन्नाव, फतेहपुर समेत कई लोकसभा सीटों पर जमकर चर्चा की। इसके अलावा प्रत्याशियों के साथ चुनावी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा भी किया। अपनी रणनीति के तहत मायावती ने एक एक प्रत्याशी के संबंध में कोऑर्डिनेटर स्तर पर विस्तृत फीडबैक लिया। बैठक में मायावती पार्टी के प्रत्याशियों, जूनियर कोऑर्डिनेटर, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों के अलावा पूर्व प्रत्याशियों के साथ विस्तृत समीक्षा किया। इसमें संगठन की बूथ स्तरीय चुनावी तैयारियों से लेकर प्रत्याशियों की क्षेत्र में मजबूती पर भी चमककर चर्चा की गई। जबकि समीक्षा बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर सपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान में लगाया। जबकि बीएसपी नेताओं को अपनी सुरक्षा स्वयं करने की एक बार फिर से सलाह दी तो पार्टी के नेताओं को हिदायत दिया कि ये लोकसभा चुनाव राजनीतिक नजरिए से बेहद ही महत्वपूर्ण है।
लिहाजा पार्टी के नेता इस लोकसभा चुनाव में विरोधी दलों से सतर्क रहे और पार्टी से सब समाज को जोड़े। इसके अलावा बसपा नेताओं को बड़ी संकेत भी दिए कि पार्टी ने जो गाइडलाइन तय की है नेता उसी के मुताबिक चले वरना ठीक नहीं होगा। बसपा सूत्रों की मानो तो समीक्षा बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे कुछ नेताओं को बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनके पत्ते भी काटे। कुल मिलाकर बीएसपी सुप्रीमो ने साफ कर दिया है कि जिन इलाकों में पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है उन इलाकों में पार्टी को हर हाल में सिरमारी करनी होगी। इतना ही नहीं, समीक्षा बैठक के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीएसपी नेताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुट जाने का निर्देश दिया तो एक बार फिर से बीएसपी नेताओं को अपनी सुरक्षा सही करने की सलाह भी दी। वहीं एक बार फिर से दोहराया कि पार्टी के नेता सर्व समाज को बीएसपी से जोड़ें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा मंगलवार को राजधानी दिल्ली में मौजूद थे जहां उन्होंने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का हाल चाल लिया और अंबिका सोनी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आपदा के बाद के हालात पर मुलाकात की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सोमवार सुबह शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद से ईस्ट ऑफ कैलाश के नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट जाकर मुलाकात की और उनका हाल चाल लिया। वो फिलहाल हृदय की बीमारी से पीड़ित है। मुख्यमंत्री से मिलकर शंकराचार्य भी बेहद खुश हुए। उसके बाद विजय बहुगुणा ने की कांग्रेस महासचिव अंबिका सोनी से मुलाकात और उन्हें बताया कि कांग्रेस संगठन के साथ साथ राज्य सरकार ने भी आपदा के बाद उत्तराखंड के लोगों और श्रद्धालुओं को राहत पहुंचाने के लिए बढ़ चढ़कर काम किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचे दस जनपद यानी सोनिया गांधी के निवास जहां पर चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री की मुलाकात से पहले उत्तराखंड सरकार के पास केंद्र से मदद के रूप में मांगने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी को बताया कि उत्तराखंड सरकार अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाओं पर काम कर रही है कि किस तरीके से फौरी राहत आपदा प्रभावित परिवार तक पहुंचाई जाए और दीर्घकालीन योजनाओं के तहत प्रदेश का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने मीडिया से भी अपील की कि कम से कम देश और विदेश के पर्यटकों को ये बताया जाए कि चार धाम और हेमकुंड साहब को छोड़कर समूचे उत्तराखंड की सड़कें दुरुस्त है और पर्यटक बेरोकटोक उत्तराखंड आ सकते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी ने आपदा को लेकर केंद्र व राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है एक ओर तो यूपीए सरकार खाद्य सुरक्षा गारंटी की बात कर रही है वहीं दूसरी ओर आपदा से प्रभावित उत्तराखंड को बिना सब्सिडी का अनाज दे रही है। जी हां, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी ने सरकार पर हमला किया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार की शुरुआती कोताही के चलते उत्तराखंड में आपदा से जान और माल का ज्यादा नुकसान हुआ है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद अपने निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में खंडूरी ने यह बात कही। उनका कहना है कि केंद्र सरकार एक ओर तो खाद्य सुरक्षा गारंटी की बात कह रही है वहीं दूसरी ओर आपदा प्रभावित उत्तराखंड में बिना सब्सिडी का अनाज दिया जा रहा है जबकि उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों को सब्सिडी पर अनाज दिया जा रहा है। खंडूरी का कहना है कि ये प्रदेश के साथ अन्याय है और राज्य सरकार इसकी पैरवी नहीं कर पा रही है। इसके साथ ही पूर्व सीएम खंडूरी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर सड़कों की हालत को लेकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि केंद्र से बीआरओ को धनराशि नहीं मिल पा रही है जिसके चलते हाईवे की हालत बहुत खराब है। खंडूरी ने आपदा के एक महीने बीतने के बाद भी सड़कों के न खुलने पर आपत्ति जताई है। समाचार पत्र में किया गया खुलासा सच हो गया है। बाबू सिंह कुशवाहा पीजीआई में भर्ती हो गए हैं और पीजीआई में उन्होंने लगाया है दरबार। आखिरकार समाचार प्लस पे किया गया खुलासा सच हो गया है। पता के हाथ लगे भंकुदेव बाबू सिंह कुशवाहा लखनऊ के पीजीआई में भर्ती हो गए हैं। एक हफ्ते पहले ही उनकी पत्नी शिवकन्या और भाई शिवचरण सपा में शामिल हुए थे। तब समाचार प्लस ने इसको प्रमुखता से दिखाया था और लोकायुक्त ने साफ किया था कि अब बाबू सिंह कुशवाहा के घोटालों की जांच थम सकती है। विपक्षी पार्टियों ने इसे बाबू सिंह कुशवाहा और सपा के बीच की डील बताई थी। प्रदेश के लगभग आधा दर्जन घोटालों के आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा पीजीआई में सीएमओ की सिफारिश से खिप कर दिए गए हैं। बाबू सिंह कुशवाहा अब तक गाजियाबाद की दासना जेल में बंद थे। बाबू सिंह कुशवाहा एनआरएचएम लैखपत घोटाले और आय से अधिक संपत्ति के मामले जैसे कई घोटालों में आरोपी हैं और दासना जेल में बंद हैं। समाचार प्लस में लोकायुक्त ने साफ कर दिया था कि अब बाबू सिंह कुशवाहा की जांच थम सकती है। पिथौरागढ़ जिले में प्राकृतिक आपदा के दौरान घायल हुई दारमा घाटी की पूजा का एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया।
15 साल की पूजा को पिथौरागढ़ प्रशासन ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा था, जहां से उसे दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया। एम्स में चले हफ्ते भर इलाज के बाद पूजा की मौत हो गई है। 15 साल की इस छोटी बच्ची पूजा ने मरने से पहले अपनी दोनों आंखें दान कर इंसानियत की अनूठी मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि दारमा घाटी में बोल्डर गिरने से पूजा को गंभीर चोटें आई थी। प्रशासन ने वायुसेना की मदद से पूजा को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। जिलाधिकारी ने पूजा के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। चारधाम पूरे विश्व के हिंदुओं का आस्था का केंद्र है। हालांकि आपदा ने आस्था के केंद्रों पर जमकर बर्बादी का मंजर दिखाया है। ऐसे में प्राथमिकता यह है कि सबसे पहले चारधाम और खास तौर पर केदारनाथ के